મુસ્લિમોના છેલ્લા નબી હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલહે વ સલમના જન્મદિવસ નિમિત્તે ઈદે મિલાદુન્નબીનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે ઈદે મિલાદુન્નબી કમિટી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ તમામ મુસ્લિમોની જુલુસ કાઢવાની લાગણીને માન આપી કોરોનાની ગાઈડલાઇન સાથે જુલુસ સહિત પર્વ મનાવવાની પરવાનગી માટે પોલીસ કમિશનરે રજૂઆત કરી છે. ईदे मिलादुन्नबी कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से महामंत्री अब्बास भाई शेख और सीरतुन्नबी कमेटी दोनों कमेटियों ने मिलकर आज कमिश्नर समक्ष हमारा आवेदन पत्र दिया है, जिसमें हमने मांगनी करी है कि जो 19 तारीख को ईदे मिलादुन्नबी कमेटी का जुलूस आने वाला है वो जुलूस शहर में शांति और कोरोना के गाइडलाइन मुजब अच्छी तरह से निकले, इसी हमने रजूआत करी है. सर ने क्या बोला परमिशन के लिए? परमिशन के हिसाब से सर ने हमारे साथ बहुत डिस्कस किए और ऊपर से सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उसमें हमको विश्वास में लिया जाएगा, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे. अपना नाम? सैयद सिराज. सिराज भाई, आप अभी जो कमिश्नर ऑफिस आए हो, किस लिए आए हो और किसकी परमिशन लेने? हम लोग मैं सूरत से सीरतुन्नबी कमेटी प्रेसिडेंट और हम लोग सीरतुन्नबी और जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट के आगे वन संयुक्त रूप से लेखिक और मौखिक दोनों प्रकार से रजूआत करने आए थे कि पिछले दो साल से ईद मिलाद का जुलूस निकल नहीं पाया. 2019 के अंदर जुलूस निकला था, एरिया वाइज निकला था, क्योंकि दोनों कमेटी नहीं चाहती थी. बाबरी मस्जिद का जो चुकादा आया था, चुकादा 16 की बजाय 11 को आया और ईद मिलाद 12 को थी और कोई भी हिसाब से शहर का शांति भाईचारा के सामने कोई जोखिम न खड़ा हो, इसलिए वो एरिया वाइज कर दिया था. अब जो परंपरागत रूप से जो रोड पे मेन रोड पे राजमार्ग पर जो भागल के चौक होके खायदाना जो रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर जुलूस जाता है वो निकल नहीं पाया था. इस साल हमने सरकार से वही रिक्वेस्ट की है, पुलिस कमिश्नर साहब के पास वही हमने बात रखी है, मुस्लिम समाज की लागणी पहुँचाई है कि 2 साल से हम प्रॉपरली अपना त्यौहार नहीं मना सके और अभी इस साल त्यौहार भी कोविड जो है कोरोना अंकुश में है और राबेता मुजब जनजीवन होने के बाद अब त्यौहार भी धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं जैसे परंपरागत होते थे. तो मुस्लिम समाज भी उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस साल जुलूस निकलेगा और हम वही मुस्लिम समाज की बात लेके पहुंचे और कमिश्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम कोशिश करेंगे कि एज अर्ली पॉसिबल गुजरात सरकार की जो गाइडलाइन है वो हमें प्राप्त हो, हम आपको उससे गाइड कर सकें और आप मुस्लिम समाज को गाइड कर सकें. जो भी पॉसिबिलिटी होगी सरकार आपको सहयोग करेगी. आपने समय पर धीरज रखा है, सरकार प्रशासन को साथ दिया है, तो इस बार जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम आपको 2 दिन में क्लियर करेंगे. सूरतवासियों को क्या मैसेज? सूरत मुस्लिम समाज से तो वही अनुरोध है, मुस्लिम समाज ने बहुत खूब साथ सहकार दिया. जब भी ऐसी आपदाएं आई है और शहर और जब भी ये तो स्वास्थ्य का मामला था, मुस्लिम समाज ने बिल्कुल कानून मर्यादा में त्यौहार मनाए और बल्कि त्यौहार नहीं मनाए ऐसी परिस्थिति हुई. इस साल मौका है, धीरज रखना, जो भी कानून जो भी हमें गाइडलाइन दी जाएगी हम उसके मुताबिक अपना त्यौहार मनाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि पिछले साल जो नहीं हो पाया उससे बेहतर इस साल हमारा त्यौहार होगा. यासिन दारा, दिव्यांग न्यूज, सूरत.